Greetings viewers and welcome back to Medical Nutrition. If you are one of those people who are confused about making healthy choices while looking at the food labels, then you have absolutely clicked on the right video. So let's get started. So basically, what are food labels in the first place? आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर पे जाते हैं और आप वहां पे कोई भी प्रोडक्ट उठाते हैं तो आप उस पे देखते हैं कि पीछे एक न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल जो है वो लगा होता है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन फैक्ट लेबल हमें क्या बताता है? इसके अंदर प्रोडक्ट नेम होता है, एड्रेस होता है मैन्युफैक्चरर का, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन द पैकेज और इंग्रेडिएंट्स और बाकी भी इस तरह की चीजें लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये आप एक फैक्ट लेबल देखते हैं, इसे हम कहते हैं फूड लेबल। ठीक है, एंड दे अपीयर ऑन वर्चुअली ऑल द प्रोसेस्ड फूड्स। जो भी पैकेज्ड फूड्स हैं सब में आप देखते हैं कि पीछे फूड लेबल जो है वो लगे होते हैं। खासतौर पर आपने देखा होगा कुछ ऐसी भी सुपरमार्केट्स होती हैं जहाँ पे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स या मीट वगैरह होता है, तो वहां पे उस पैकेजिंग में जो है वो कोई फूड लेबल नहीं लगा होता, लेकिन अगर आप उनसे पूछें तो आपको पोस्टर या आपको कोई भी पंफलेट वगैरह दिखाते हैं जिसमें प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है वो न्यूट्रिशन फैक्ट्स लिखे होते हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। और कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें फूड लेबल की जरूरत ही नहीं होती, सच एज कॉफी, टी एंड स्पाइसेस, क्योंकि वो हमें बहुत ही लिमिटेड किलो कैलोरीज दे रही होती हैं, उनमें कोई इतने खास न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो वहां पे हमें फूड लेबल की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर आप जब रेस्टोरेंट्स जाते हैं तो आप देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा हमें पोर्शंस में हमें फूड देते हैं वो। ठीक है, जो हम घर में लेते हैं ना उससे ज्यादा होता है, इवन के जो USDA फूड गाइड है उससे भी ज्यादा होता है कि आप हाफ कप को एक सर्विंग अगर कहते हैं तो वो आपको हो सकता है दो कप प्राइस की वो कहें कि एक सर्विंग है। ठीक है, तो आपको वहां पे खास तौर पे ध्यान रखना होता है कि आप जो है एक्सेसिव अमाउंट में ना ले लें चीज। ठीक है, और कुछ रेस्टोरेंट्स जो हैं वो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तब देंगे फूड से रिलेटेड जब वो लो फैट हो या हार्ट हेल्दी, मतलब उसने कोई क्लेम दिया हो उस प्रोडक्ट से मुतालिक जो आप वहां पे ले रहे हैं या उस फूड से मुतालिक जो आपने वहां पे ऑर्डर किया हुआ है। ठीक है, और जो फूड लेबल्स हैं इसको कौन मॉनिटर कर रहा होता है? इसको गवर्नमेंट एजेंसीज मॉनिटर करते हैं, जैसे कि FDA है, वो देखते हैं कि फूड लेबल में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन डालनी है। सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फूड लेबल्स? किसी भी न्यूट्रिशन फैक्ट फूड लेबल में आप देखते हैं तो सर्विंग साइज उन्होंने दिया होता है ऊपर, फिर सर्विंग्स उन्होंने दी होती हैं। ठीक है, फिर कैलोरीज हैं, फिर नीचे आप देख सकते हैं जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं उनकी कंट्रीब्यूशन कितनी है परसेंटेज डेली वैल्यू के हिसाब से, डेली वैल्यू को भी हम डिस्कस करेंगे आगे। फिर अगर तो उसके अंदर विटामिन मिनरल्स कोई पाए जाते हैं तो उसकी भी डेली वैल्यूज वो प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इंग्रेडिएंट की पूरी लिस्ट होती है, कोई एडिटिव्स हैं या फिर प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं उनकी इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब चीजें जो हैं न्यूट्रिशन फैक्ट फूड लेबल बनाती हैं। फर्स्ट इज इंग्रेडिएंट लिस्ट। आप जब भी कोई फूड लेबल देखते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, आप देखते हैं कि उसके पीछे इंग्रेडिएंट लिस्ट जो है वो एक ऑर्डर में लिखी जाती है। ठीक है, वो ऑर्डर क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर है कि जो सबसे फर्स्ट जो इंग्रेडिएंट होगा वो सबसे ज्यादा वेट में होगा एंड देन वो डिक्रीज होता जाएगा। जैसे ये एक प्रोडक्ट है जिसमें एनरिच मैक्रोनी प्रोडक्ट, ड्यूरम वीट फ्लावर है, ग्लिसराइल, मोनो, स्टेरिएट एंड सो ऑन। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ड्यूरम वीट फ्लावर जो है वो इसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में होगा और इसमें ग्लूटामेट, मॉडिफाइड फूड स्टार्च ये सबसे कम अमाउंट में होंगे। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कोई भी कंज्यूमर कि क्या ये मेरे लिए हेल्दी है या नहीं है। एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि बेवरेज पाउडर है जिसमें शुगर, सिट्रिक एसिड, नेचुरल फ्लेवर्स हैं, और एक जूस है जिसमें वाटर है, टोमेटो कंसनट्रेट, कंसनट्रेटेड जूसेज ऑफ कैरेट, सेलरी एंड सो ऑन। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें से ज्यादा हेल्दी ऑप्शन जो है वो सेकेंड ऑप्शन जूस है, क्योंकि उसमें वाटर है फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो कि ज्यादा अमाउंट में होगा और जो फर्स्ट प्रोडक्ट है उसमें शुगर है, तो शुगर जाहिर सी बात है हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो इसलिए जूस वुड बी द राइट ऑप्शन। फिर उसके बाद सर्विंग साइजेस हैं। FDA ने जो है वो सब प्रोडक्ट्स पे सर्विंग साइजेस एक खास लगाई होती हैं। ठीक है, जितने भी लिक्विड्स हैं उनमें सर्विंग साइज स्टैंडर्ड जो है वो उनका 8 fluid ounces होता है और जो सॉलिड प्रोडक्ट्स हैं उसमें वो 1 cup को एक सर्विंग कहते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पे फिर आ गई है कि जो USDA फूड गाइड सिस्टम है वो हमें कहता है कि हाफ कप जो होता है सीरियल का वो एक सर्विंग होती है, लेकिन FDA जो है उन्होंने थोड़ा सा चेंज इससे किया कि वो 1 cup को 1 serving कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कंज्यूमर्स के लिए थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है, तो उनको फिर यहाँ पे वॉच आउट करना पड़ता है कि वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा ना ले लें। फिर उसके बाद क्या है कि कंज्यूमर्स नीड टू कंपेयर द सर्विंग साइजेस ऑन द लेबल विद हाउ मच दे एक्चुअली ईट।
उनको अपनी कैलोरीज जो है वो एडजस्ट करनी पड़ती है उस लिहाज से. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट आपने लिया है जिसमें 4 कुकीज जो है वो एक सर्विंग बनाता है, ठीक है, तो अगर किसी बंदे ने 4 से ज्यादा खा ली है, फॉर एग्जाम्पल 8 कुकीज खा ली है, तो वो उसको डबल कर देगा, ठीक, जो उसकी कैलोरीज हैं वो उसको डबल कर देगा, तो उसका अंदाजा वो लगा लेगा कि उसने कितनी ली है. या अगर वो उसके हाफ खाता है तो वो एनर्जी भी हाफ कर देगा उसकी, ठीक है. तो इस तरह आप कंपेयर कर सकते हैं सर्विंग साइजेस के जरिए कि आप कितनी अमाउंट में कोई चीज ले रहे हैं. फिर FDA सिस्टम ने एक और भी स्टैंडर्ड सेट किया है कि कोई एक प्रोडक्ट, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, उसमें जो सर्विंग साइज है वो सेम होगा. फॉर एग्जांपल, आप अगर योगर्ट ले रहे हैं तो एक ब्रांड ए की है और एक ब्रांड बी की है, तो दोनों की सर्विंग साइजेस अगर आप पीछे उसके फूड लेबल पे देखें तो वो 1 कप होगा या जो भी जितनी भी उन्होंने सर्विंग दी हुई है. तो इसलिए ये बेनिफिट हो जाता है कंज्यूमर के लिए कि वो कंपेयर कर सकता है कि ब्रांड ए में 1 कप सर्विंग में कितनी कैलोरीज, कितने फैट्स हैं या कितनी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, और ब्रांड जो बी है उसके अंदर कितने हैं. तो वो कंपेयर करके हेल्दी चॉइस ले सकता है, ठीक है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स अबाउट सर्विंग साइजेस. नेक्स्ट इज डेली वैल्यू. डेली वैल्यू जो है वो क्या है, दीज आर द रेफरेंस वैल्यूज डिवेलप्ड बाय द FDA स्पेसिफिकली फॉर यूज ऑन द फूड लेबल्स. डेली वैल्यूज बेसिकली हमें बताती हैं के प्रोडक्ट में कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है हमारी डाइट में. ओके, डेली वैल्यूज आर बेसिकली द परसेंटेज ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अमाउंट ऑफ अ न्यूट्रिएंट नीडेड डेली प्रेजेंट इन वन सर्विंग ऑफ फूड. कीप इन माइंड कि डेली वैल्यू ये नहीं होती है कि कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो आपको कितना लेना चाहिए, बल्कि डेली वैल्यू ये होती है कि जो न्यूट्रिएंट आप ले रहे हैं वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है परसेंटेज इन आर डेली डाइट, ठीक है. अब जो डेली वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स में आपको फूड लेवल पे दिखाई देंगी. फॉर एग्जांपल, वो परसेंटेज में भी हो सकती हैं या फिर वो ग्राम्स, मिलीग्राम्स में या माइक्रोग्राम्स में भी हो सकते हैं, या फिर दोनों में हो सकते हैं. जैसे कि टोटल फूड एनर्जी है वो किलो कैलोरीज में होती है, फिर फ्रॉम फैट जो एनर्जी आ रही है वो भी किलो कैलोरीज में है, ठीक है. फिर टोटल फैट है वो ग्राम्स में भी है और साथ में वो परसेंटेज डेली वैल्यू में भी देते हैं. सैचुरेटेड फैट है, इसी तरह ट्रांस फैट है, ट्रांस फैट ग्राम्स में होता है, उसकी डेली वैल्यू नहीं है. इसी तरह कोलेस्ट्रोल है, सोडियम है, ठीक है, उन ये दोनों चीज़ें आप देख सकते हैं मिलीग्राम्स में दी हुई हैं और साथ में उन्होंने परसेंट डेली वैल्यू भी दी हुई है. तो ताकि आसानी हो, कोई कंज्यूमर हो सकता है वो ग्राम्स में देखना चाहता हो किसी न्यूट्रिएंट को, तो उसके लिए फिर आसानी है कि वो मिलीग्राम्स वगैरह को इंटरप्रेट कर ले. या कुछ लोग ये रहते हैं कि परसेंट डेली वैल्यू जो है वो देख के अंदाजा लगाते हैं कि उनकी डाइट जो है वो कितनी है, मतलब कि वो क्या सही प्रोडक्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ठीक है. और इसके अलावा वैल्यूज हैं, दे हेल्प कंज्यूमर सी इजीली वेदर अ फूड कंट्रीब्यूट्स अ लिटिल और अ लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं. जैसे अगर 20% कोई न्यूट्रिएंट है तो हम कहेंगे कि वो हाई या एक्सेलेंट सोर्स है. अगर तो वो 10 to 19% सी न्यूट्रिएंट का दे रहा है तो वो गुड सोर्स है. इसी तरह अगर वो 5% दे रहा है तो वो लो है. कि अगर हम देखते हैं कि प्रोडक्ट ए में शुगर जो है वो 10 to 19% है और प्रोडक्ट बी में शुगर जो है वो 3% है, तो हम कहेंगे कि प्रोडक्ट बी जो है हेल्दी है क्योंकि उसमें लो डेली वैल्यू है उसकी, ठीक है. उसके बाद आपने ये याद रखना है कि जो परसेंट डेली वैल्यूज होती हैं वो 2000 किलो कैलोरीज के लिए होती हैं, ठीक है. अगर तो आप 2000 किलो कैलोरीज ही लेते हैं तो आपके लिए आसानी है कि आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है. लेकिन अगर आप 2000 से ऊपर या कम कैलोरीज आप ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मैथ्स करनी पड़ती है डेली वैल्यू निकालने के लिए. लेट सपोज कि आप फाइबर देख रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट में, ठीक है. तो अगर आप 1600 किलो कैलोरीज जो है वो लेते हैं और डेली वैल्यू जो है वो 2000 किलो कैलोरीज यहाँ से दी गई हैं, तो आप क्या करेंगे कि आप फाइबर जो है कितनी परसेंटेज आपको चाहिए. फॉर एग्जांपल, फाइबर जो है वो जस्ट 15% चाहिए, 15% यानी कि 0.15 बन जाता है, उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे अपनी 1500 किलो कैलोरीज से और जो आंसर आएगा वो आपकी लिमिट होगी, उस लिमिट तक ही कंज्यूम करना है. तो आप जो जो आप प्रोडक्ट लेंगे आप पूरे दिन में उसकी डेली वैल्यूज जो है वो देखते जाएंगे और उसको एड अप करेंगे कि क्या वो आपके लेवल तक जो आपकी लिमिट है उस पर बन रही है या नहीं है, ठीक है. उस लिहाज से फिर आप चूज करते हैं कि आपको कितने प्रोडक्ट्स कितनी अमाउंट में लेने चाहिए. एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे कि फ्रोजन मैक्रोनी चीज है, उसकी डेली वैल्यू फॉर फैट है 20%, ठीक है. और जो बॉक्स मिक्स मैक्रोनी और चीज है उसकी डेली वैल्यू है 15% ऑफ फैट, ठीक है. तो आप देख सकते हैं कि इसमें हेल्दियर ऑप्शन जो है वो बॉक्स मिक्स है कि उसमें कम फैट की डेली वैल्यूज आती हैं. सो इन दिस वे यू कैन यूज योर डेली वैल्यूज टू इंटरप्रेट वट काइंड ऑफ फूड यू शुड ईट. जो प्रीवियस स्लाइड्स में हमने पढ़ा है उसकी नॉलेज को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं. ये दो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल ये कोई कुकी का प्रोडक्ट हो या केक है, ठीक है. तो आप देख सकते हैं तो ये केक, लेकिन दो डिफरेंट कंपनीज हैं, ठीक है. ये ए है, ये बी कंपनी है.
तो आप देखेंगे कि FDA ने सर्विंग साइज दोनों का सेम रखा है ताकि हमें आसानी हो कंपेयर करने में. अब हम इसको बारी बारी कंपेयर करते हैं. सर्विंग साइज इसका वन पैकेज है और सर्विंग्स एक कंटेनर में जो है वो एक ही होंगी. कैलोरीज ये कितनी दे रहा है, 390, और जबकि बी ऑप्शन जो है वो 230 किलो कैलोरीज हमें देती है. तो जो वेट वॉचर्स हैं वो ऑब्वियसली सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे. फिर फैट है, फैट हमें मिलता है 18 ग्राम्स जबकि वो टोटल फैट 4 ग्राम्स दे रहा है और डेली वैल्यू भी आप देखें 6% है. तो हम कहेंगे कि ये जो इस जो ऑप्शन बी है इसमें फैट जो है वो काफ़ी कम अमाउंट में है. इसी तरह कोलेस्ट्रॉल है, ये 45 है, यहाँ पे 15 है. और भी अगर आप चीज़ें कंपेयर करें तो शुगर्स जो है वो 12 हैं और यहाँ पे 10 ग्राम्स है. आप यहाँ पे नोट करेंगे कि शुगर और प्रोटीन जो है वो सिर्फ उन्होंने ग्राम्स में दिए, उसकी डेली वैल्यूज उन्होंने नहीं प्रोवाइड की. क्या रीज़न है इसकी कि जो प्रोटीन है उसकी तो डेली वैल्यू जो है वो मुश्किल होती है प्रेजेंट करना, क्योंकि एक्सपेंसिव टेस्टिंग चाहिए होती है प्रोटीन क्वालिटी चेक करने के लिए कि क्या उसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं या नहीं है. इसी तरह शुगर्स हैं, शुगर्स जो है वो ऑब्वियसली कभी भी हेल्दी नहीं होते हमारे लिए, तो इसलिए उसकी डेली वैल्यू विल नॉट मेक अ सेंस हियर. ठीक है, इस वजह से इन दोनों में डेली वैल्यूज नहीं दी गई हैं. फिर अगर कोई न्यूट्रिएंट्स इसमें एक्स्ट्रा पाए जाते हैं, विटामिन ए सी आयरन और कैल्शियम है जैसे इसमें, तो इनकी भी आप कंपेयर करके देख सकते हैं कौन सी ऑप्शन आपके लिए बेटर है. ठीक है, अब इन्होंने नीचे इंडिकेट भी कर दिया कंज्यूमर के लिए कि डेली वैल्यूज आर बेस्ड ऑन 2000 किलो कैलोरी डाइट. तो आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से कि अगर आप कम ज़्यादा लेते हैं तो आप डेली वैल्यूज भी इस हिसाब से देखेंगे कि वो कितनी बनती हैं एडअप करके डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, जो भी न्यूट्रिएंट की डेली वैल्यू आप देख रहे हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स में, आप उसको एडअप करके देखेंगे कि वो कितनी बनती है. ठीक है, और साथ में अगर कोई कंपनी चाहे तो फूड लेबल में वॉलंटरली इस तरह की इन्फॉर्मेशन भी डाल सकती है कि इंटेक ऑफ ट्रांस फैट शुड बी एज लो एज पॉसिबल, यानी कि कॉशंस भी वो दे सकते हैं, वार्निंग्स भी वो दे सकते हैं, या कोई अगर हेल्थ क्लेम है और वो भी अप्रूव्ड हेल्थ क्लेम है तो वो भी डाल सकते हैं इसमें. ठीक है, दिस वॉज ऑल अबाउट फूड लेबल्स. सो इस तरह आप फूड लेबल्स के जरिए हेल्दी चॉइसेस अपना सकते हैं और आप देख सकते हैं कि आप हेल्दी फूड आइटम्स लें ना कि अनहेल्दी.